आज मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ चिकपी सैलड की रेसिपी। टेस्टी है, हेल्दी है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, मैं जुकीनी ले लिया है ग्रीन वाला, उसको चॉप कर रहे हैं बारीक बारीक। वेजिटेबल्स आप अपनी चॉइस का ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है जो मैं कुछ यूज़ कर रही हूँ वही आप यूज़ करो, अपने अकॉर्डिंग आप चीज़ें ले सकते हो। बहुत सारे तरीके होते हैं और ड्रेसिंग होती है इन सबको टेस्टी बनाने के लिए। आप इनके जरिए अपना वेट लूज़ आराम से कर सकते हो। देखिए, जुकीनी ले लिया, कैप्सिकम ले लिया, पर्पल वाला पत्ता गोभी ले लिया। अगर आपके पास रेड और येलो वेल पेपर है तो आप वो भी ले सकते हो। पर्पल नहीं है, आप प्लेन जो नॉर्मल पत्ता गोभी होता है आप वो भी ले सकते हो। ठीक है, खीरा ले लिया, इसको भी थोड़ा थोड़ा हम चॉप कर देंगे। और क्वांटिटी अगर सेम सेम रख लो, जैसे हाफ हाफ कप ले लीजिए। मैं थोड़ा ज़्यादा सैलड बना रही हूँ तो इसलिए विदाउट मेजरमेंट में यहाँ पे चीज़ें ले रही हूँ। अब यहाँ पे मैंने अनियन ले लिया और टमाटो ले लिया, ये चीज़ ये थोड़ा सा मैं कम ले रही हूँ। आप चाहो तो इनकी क्वांटिटी भी यहाँ पर बढ़ा सकते हो। देखिए, हेल्दी खाने के बहुत सारे तरीके होते हैं और नहीं खाने के लिए तो बहुत सारे बहाने हैं। और थोड़ा सा सैलरी भी यहाँ चॉप कर लिया। अब बनाते हैं इसकी ड्रेसिंग। इसके लिए ले लिया है 2 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल और 1 टेबल स्पून लिया था विनेगर, और साथ में थोड़ा सा लेमन जूस यानी 1 टेबल स्पून के करीब ब्लैक पेपर साथ में डालेंगे हम। यहाँ पे सेलरी डाल दिया है मैंने चॉप करके, चाहे तो आप उसको अंदर सैलड में भी डालेंगे, थोड़ा सा ड्रेसिंग के अंदर डाल के रखना चाहो ड्रेसिंग में, जैसे भी। और डाल दिया है साथ में सॉल्ट, सॉल्ट आप पिंक सॉल्ट भी ले सकते हो, ब्लैक सॉल्ट भी ले सकते हो। इसको मिक्स करके साइड में रख देंगे। अब सैलड की सारी चीज़ें देखिए मैं एक बोल में ले लेती हूँ, जो भी हमने चॉप किया था। बस ध्यान आपको ये रखना है, ड्रेसिंग आपको आपने चॉप करके रख लिया सारी चीज़ें, बस आप जब ड्रेसिंग जब डाली, जब आपको सैलड खाना है, पहले डाल दिया आपने और फिर खा बाद में रहे हो तो सैलड से पानी छूटने लगता है। और यहाँ पे डाल दिया हमने चिकपी तकरीबन 1 कप। इनको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। अब देखने में इतना कलरफुल लग रहा है तो खाने में तो वैसे ही मस्त मज़ा आ जाएगा। आप चाहो तो थोड़ा सा चाट मसाला और ऐड कर सकते हो। अब थोड़ी सी सैलरी मैंने और डाल दी ऊपर से, ये ऑप्शनल है। आप सैलरी की जगह देखो बताते हैं, जैसे मिंट लीफ आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो चॉप करके बिल्कुल बारीक बारीक। पालक आप यूज़ कर सकते हो, धनिया यूज़ कर सकते हो, ये कुछ कुछ चीज़ें ऑप्शनल हैं अपनी मर्ज़ी से। अब यहाँ पे ये जो हमने ड्रेसिंग बनाई थी ये पूरी हम डाल देंगे। अब अपने अकॉर्डिंग टेस्ट कर लीजिए, मसाले अपने अकॉर्डिंग डाल लीजिए, जो भी आपको कम ज़्यादा लगता है। ड्रेसिंग बनाने में हंकर्ड का यूज़ होता है, मस्टर्ड सॉस का यूज़ होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हाय एवरीवन, तो ये देखिए, ये हमारा जो टेस्टी सा सैलड है चिकपी सैलड बनके रेडी हो गया है। बहुत ही टेस्टी लगता है इस तरह से ड्रेसिंग अलग अलग टाइप की यूज़ करके, और साथ में टेस्टी तो होता ही और हेल्दी भी होता है। अगर आप वेट लूज कर रहे हो अपना तो उसमें ये सैलड आप खा सकते हो। आप अपना जो लंच है, लंच में ये सैलड खाओगे तो सीरियसली आपका पेट जो है ना वो फिल रहता है, आपको नीड ही नहीं होती कि आप एक्स चपाती खाओ या इस तरह की चीज़ें खाओ। तो इस तरह की रेसिपीज़ के लिए आप प्लीज़ पेज को फॉलो कीजिए। रेसिपी कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। मिलेंगे फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।